गुड मॉर्निंग इंडिया, माई सेल्फ अवधेश कुमार। 44 साल पहले जब मैं इस पृथ्वी पे आया था तो मेरे पास एक कच्चे का मकान हुआ करता था, मिट्टी का। मिट्टी के मकान में मेरी पैदाइश हुई थी और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि हमारा जो परिवार था वो बहुत ही लोअर परिवार था। हम दूसरे के घर में मजदूरी करते थे हमारे पिताजी, और उसके बदले में जो मिलता था उससे हमारा परिवार का भरण पोषण होता था। फ्रेंड्स, बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा और एक दिन मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बोला, ऐसा कब तक चलेगा, और उनको जबरदस्ती गांव से शहर की तरफ भेजा गया मम्मी के द्वारा, ताकि बाहर जाकर वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए कुछ काम स्टार्ट कर सकें, कहीं नौकरी कर सकें। और एक जगह जाकर उन्हें नौकरी मिली, और वो नौकरी मिली 70 रुपये रोज पर। 70 रुपये रोज पर उन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया और उससे पूरी परिवार का भरण पोषण चालू हुआ। मेरे अलावा मेरे परिवार में 2 भाई और हैं, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई और एक मेरी बहन है। 3 भाई 1 बहन का परिवार है। जितने पैसे कमाते थे पिताजी उससे खर्च नहीं चल पाता था, जिसके बदले में अगर कभी कोई अनवांटेड घटनाएं घट जाती थी परिवार में तो गांव के साहूकार से पैसे लेने पड़ते थे, और उसके बाद जाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये क्रम चलता रहा और धीरे धीरे पापा की नौकरी जो प्राइवेट जॉब था वो सरकारी में कन्वर्ट हो गया और हमारा लाइफ पहले से बेहतर हो गया। फ्रेंड्स, लेकिन चूंकि माहौल का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे परिवार के ऊपर, हमारे पिताजी अनपढ़ इंसान थे, उनका माहौल अनपढ़ का था। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं दूसरे लोगों की गाड़ियाँ देखता था, कार देखता था, तो मेरे सपने भी जग जाते थे और मुझे लगता था पता नहीं काश मैं भी कोई बढ़िया परिवार में पैदा हुआ होता तो मेरे पास भी आज कार होती, मैं भी कार में घूमता। और इसका नतीजा ये रहा फ्रेंड्स, जब 1989 में मैंने मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया तो उस समय हमारे जितने भी स्कूल के क्लासमेट थे सब लोगों ने फुल पैंट पहन के एग्जाम दिया था, और मैं सिंगल पूरे क्लासमेट में ऐसा स्टूडेंट था जिसने हाफ पैंट में एग्जाम फेस किया था। और वहां से मैंने एक डिसीजन लिया था कि बेटा अवधेश, जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम, जो दिन आज आपको देखने पड़ रहे हैं वो आपके परिवार को, आपके बेटे को, आने वाले उसको ना देखना पड़े। और उसका रिजल्ट रहा कि मैंने खूब मेहनत करी और मैट्रिकुलेशन मैंने फर्स्ट क्लास फर्स्ट से आउट हुआ, पास आउट हुआ 644 नंबर से। और वहां से सपने बड़े थे, क्योंकि बैकग्राउंड कुछ बढ़िया नहीं था इसलिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे बिजनेस को मैंने आजमाया, बट सफलता जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाया। और आज से 16 साल पहले मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से रूबरू होने का मौका मिला। फ्रेंड्स, हमारे एक मित्रों ने जबरदस्ती मुझे डायरेक्ट सेलिंग बताया और मैंने वहाँ स्टार्ट करा, और 8 साल मैंने कंटिन्यू इस बिजनेस को किया, डायरेक्ट सेलिंग को किया। और लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए थी, जो ड्रीम थे हमारे, वो पूरे नहीं हो रहे थे। फिर वहां से मैं दिल्ली आ गया, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बंद हो गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा, और फिर मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में जॉब कंसल्टेंसी का कैरियर जोन के नाम से मैंने अपना खुद का एक कंसल्टेंट ऑफिस खोला और यहां लोगों को जॉब प्रोवाइड करने लगा। और मई 2012 मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंजिंग आया, मुझे एक व्यक्ति ने मेरे पास ऑफिस में आया और मुझे एक बिजनेस हैंडओवर किया। दोबारा से मैं डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू परिचित हुआ और उस बिजनेस का नाम था, डायरेक्ट सेलिंग का नाम था वेस्टीज। मई 2012 में मेरा सफर स्टार्ट हुआ, यहाँ से मैंने अपने आप को जीरो किया फ्रेंड्स, और पहले महीने का मेरा पे आउट आया यहाँ से 92 रुपया, और हाईएस्ट जो पेचेक है मेरा यहाँ से वो 271,335 रुपये का है। फ्रेंड्स, अगर टोटल अर्निंग की बात करूँ मैं, 92 महीने का मेरा सफर हो चुका है, टोटल अगर अर्निंग की बात करूँ तो 1,18,00,000 रुपया कमा चुका हूँ फ्रेंड्स यहाँ से। अदर अचीवमेंट की बात करूँ फ्रेंड्स, 5 बार मैं यहाँ से विदेश जा चुका हूँ, जिसमें सबसे जो अविस्मरणीय जो मेरा फॉरेन टूर रहा है वो टूर रहा है मेरा लंदन का। कंपनी का 7 दिन का टूर था फ्रेंड्स, मैं और मेरे 14 अपलाइन सीनियर हम लोग 7 दिन पहले यानी 14 दिन जाकर लंदन की धरती को एंजॉय किए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है फ्रेंड्स। अगर मैं वेस्टीज में नहीं होता तो कभी भी फॉरेन जाने की सोच नहीं रखता, लेकिन वेस्टीज है तो यहाँ सपने सच होते हैं। और गौतम बाली जी कहते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो। मेरी यहाँ से सबसे पहली जो कार मैंने लिया था फ्रेंड्स, वो 12.5 लाख की डस्टर टॉप मॉडल वुडन ब्राउन कलर की गाड़ी थी। आज आलम यह है कि डस्टर चलाते चलाते मेरा मन भर गया था, और जब 12.5 अपलाइन हमारे लग्जरी कार ले रहे थे तो मैंने भी एक डिसीजन लिया कि अब मुझे भी लग्जरी कार लेनी है फ्रेंड्स। और वो सपना मेरा पूरा हुआ 28 अगस्त 2019 को, और मैंने अपने लिए लग्जरी जो एक ड्रीम कार था मेरा, जो 16 साल पहले मैंने देखा था कि अपने पास भी एक लग्जरी कार होनी चाहिए, वो मेरा सपना पूरा हुआ फ्रेंड्स। और वो सपना पूरा हुआ लग्जरी कार के रूप में, मैंने अपने लिए ली 28 अगस्त को जगुआर XE पोर्टफोलियो ब्लू कलर की। बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स,
आइए हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाइए और आप भी इस मिशन में शामिल हो जाइए, क्योंकि हमारा जो वी टीम एजुकेशन सिस्टम है, ये जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है वो और कोई नहीं, नन अदर देन मिस्टर विवेक सक्सेना जी हैं, जिन्होंने लाखों लोगों, मेरे जैसे पता नहीं लाखों लोगों की जिंदगियों को उन्होंने टर्निंग पॉइंट लाया है। आइए हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाइए और वी टीम एजुकेशन सिस्टम का लाभ उठाइए। थैंक यू, विश यू वेल्थ।